औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, इट्स क्लास 8, सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 3.1 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट पाया, तो आपको अंडरस्टैंड करूँ कि किस तरह ये जो है ये क्वेश्चन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी गई है, 1, 2, 3 और 4। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें जो जिस एंगल पे एक्स लिखा गया है, वो एक्स जो है वो एंगल जो हमने प्रूव करनी है कितनी डिग्रीज की है। ये 50 डिग्री, 130, 120 है। तो ये वाली जो है एक्स जहाँ पे लिखा नहीं गया है कितनी डिग्रीज की, ये हमने प्रूव करनी है। इस तरह ये भी है, इस तरह ये और इस तरह ये। इसके लिए हमने क्या करना है, इसलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, पहली वाली जो है आपको बताऊं, ये क्वाड्रिलेटर है, ये एक्स वाली है, ये हमने प्रूव करनी है। ये जो ये दी गई है 120, ये जो 130, ये जो है 50 डिग्री। इसके लिए हमने क्या करना है, ये इजी है, दूसरी वाली भी इजी है। पहले हमने सब एंगल्स का जो है मेजर 50 + 130 + 120 + x = 360। तो 360 का जो है वो हाफ है, ये जो है तमाम एंगल्स का सम जो है 360 है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया, इनका हमने ऐड करना है। ये आती है 300 डिग्री + x = 360 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 360 को हमने माइनस करना है 300, वहां पे रह गया 60 डिग्री। तो ये जो एक्स है, एंगल है, इसका जो मेजरमेंट है वो है 60 डिग्री, हो गया ये। इस तरह दूसरी जो ये क्वाड्रिलेटर है, इसका भी इस तरह हमने करना है। ये आप इजीली कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैं आपको तीसरी वाली के बारे में, ये वाली जो है थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। ये हम ले लेंगे, पहले बनाएंगे, ये जो है 70 डिग्री है, ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये एक्स, ये भी एक्स, और ये वाली जो है 30 डिग्री है। तो हमारे पास जो ये है पॉलीगन है, इसका एक एंगल जो है 30 डिग्री है। ये जो जो एक्स दो है, एक्स और एक्स, ये हमने प्रूव करने हैं। इसका ये जो 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है एक्सटीरियर बेस जो है। तो इस तरह हम इसको कोशिश करेंगे हाँ प्रूव करने की। एक्स और एक्स का जो मेजरमेंट है वो देखेंगे हम, कितने डिग्रीज की ये एंगल्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेस, ये वाली फर्स्ट बेस ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे हम 70, विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। सेकंड बेस ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू 180 जो होता है, सम ऑफ
एंगल होता है, सम ऑफ ट्रायंगल सॉरी माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये पहला वाला बेस, ये जो है 710 डिग्री है, दूसरा वाला बेस 120 डिग्री, ये वाले, ये और ये, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देयर आर फाइव साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू फाइव, ये इस तरह हम लिख सकते हैं, देयर आर फाइव साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो फाइव है, ठीक है जी। एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, वो जो होता है एंगल सम ऑफ, वो होता है एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स माइनस टू इंटू 180। ये 180 जो है ये 360 का हाफ है, इस तरह आप अंडरस्टैंड करोगे। जो क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम जो 360 होता है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल का सम जो हाफ, इसका हाफ जो होता है उसका सम ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल का जो होता है वो 360 होता है, सम ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो 180 होता है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, माइनस टू जो है नंबर ऑफ एंगल्स जो हमने प्रूव करनी है, यहां पर नंबर ऑफ एंगल्स जो है जो हमने प्रूव करनी है वो है नंबर ऑफ एंगल्स वन एंड टू। तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वन टू थ्री फोर एंड फाइव, नंबर ऑफ साइड्स माइनस नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स फाइव है, नंबर ऑफ एंगल्स जो हमने प्रूव करनी है वो टू है, इंटू 180, इंटू 180। तो वो हो गया, इस तरह हम फाइव नंबर ऑफ साइड्स माइनस टू एंगल्स टू प्रूव इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, तो नंबर ऑफ साइड जो थ्री है रह जाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को हमने क्या करना है टू करने हैं, नंबर ऑफ एंगल जो है फाइव है वो हमने माइनस किया टू, वहां पर रह गए थ्री इंटू 180 विच इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। 500 एक बार फिर बता जाऊं, ये नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ साइड जो है फाइव है, माइनस जो है टू करना है, कितने क्या नंबर ऑफ एंगल जो हमने प्रूव करने हैं इंटू 180, यहाँ पे रह गया थ्री, फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री इंटू 180 विच इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने सम लगा लिया कि इसका जो टोटल सम जो है वो 540 डिग्री है इस पॉलीगन का। आगे चलते हैं, 30 डिग्री जो हमारे पास अवेलेबल है ये प्लस एक्स प्लस 110 फर्स्ट बेस प्लस 120 सेकंड बेस प्लस सेकंड एक्स, ये वाला एक्स दो आ गए, एक्स एक एक्स दो, ये एक एक्स और ये एक्स दो इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो इस तरह आगे चलते हैं, इन सब को हम अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस ये एक्स इज इक्वल टू 260 प्लस टू एक्स एक्स ये एक्स मिला के हो गए टू एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्रीज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्रीज 260 विच इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू 540 को हमने माइनस करना है 260, वहां पे रह गया 280 डिग्री, यानी दो जो एक्स जो है आप इनकी जो मेजरमेंट है वो 280 डिग्री है। आगे चलते हैं, 280 का हाफ जो है वो आ गया वन एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्रीज,
तो ये दो एक्स जो है इनकी जो कुल मेजरमेंट डिग्री है वो 280 है, तो इसका मतलब 280 का हाफ जो है वो 140 है, तो 1x इज इक्वल टू 140, 1x इज इक्वल टू 140। तो इसका मतलब ये हुआ 140 और 140, ये प्रूव कर लिया हमने 140। सम ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू 280, तो हो गया ये। अब जो है अब तीसरी जो है इसकी ये एक्स जो हमने प्रूव करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, एंगल सम ऑफ पॉलीगन सीधी से लिखेंगे हम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स माइनस टू इंटू 180, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड जो इसके 5 है माइनस टू इंटू 180 जी, तो वो रह गया 5 माइनस टू इज इक्वल टू 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। So it means for x is equal to 540 degree number of sides, which is which means x is equal to 108 degrees। तो ये हो गया लास्ट वाला, ये जो ये एक्स है 108 डिग्री का है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।